म्यूट कर लो माइक, चंद्रवती माइक म्यूट कर लो बेटा। हेलो सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछेगा इसमें एग्जाम में तुमको। क्या होता है सिलेक्शन? जब सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट के लिए डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में, एक जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया है और जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफर अभी तक नहीं किया है। इस ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हम उसमें से छटनी करते हैं जो हमको लगता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने जो लास्ट क्लास में रिक्रूटमेंट किया था, रिक्रूटमेंट में क्या किया था, हमने सोर्सेज मंगवा लिए, इंटरनल भी मंगवाए एक्सटर्नल भी मंगवाए, लेकिन अब इसमें से हमको चूज करना है द बेस्ट फॉर द कंपनी। तो जब हम उसमें से जब चूज करेंगे और जिनको हम एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है मीनिंग में? नो मैम। क्लियर है? अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ेंगे, डायरेक्ट अपन सिलेक्शन प्रोसीजर पे आएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। ऑब्वियस है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे फॉर द रिक्रूटमेंट, तो हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, छटनी करेंगे। हम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से उसको मैच करेंगे, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट्स की क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। पूरा पेपर वर्क होता है, जैसे हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ये इसके पास है, इतना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और भी कुछ चाहिए था है, तो ये सब क्राइटेरिया में क्या होगा, हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर द नेक्स्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या होता है, इसमें भी वही आ जाएगा, पर्सनल भी आएगा, एक्सपीरियंस भी। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, फिजिकल की और क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, एनवायरमेंटल क्या एक्सपीरियंस है, ये क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनका एजुकेशन क्या है, इसका इंटरेस्ट किस में, तो ये इसमें क्या होगा, हम पूरा रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन को, जो भी हमको एप्लीकेशन या रेज्यूमे मिला है उसमें इन्होंने जो जो पॉइंट्स मेंशन किए हम वो पूरा क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो सिलेक्ट होंगे उसके बाद रिव्यू होता है, रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें हमने ये कर सकते हैं, एक सपोज इसमें कोई डाउट है, रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक में देखो इस टाइप से बनता है, प्रोफॉर्मा, पर्सनल, एक्सपीरियंस, फिर फिजिकल और फिर एनवायरमेंटल। तो ये अपने ऊपर है कि हम उसको कैसे करते हैं। फिर इसके बाद चेकिंग रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंस समझते हो बेटा, चेकिंग रेफरेंस, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर आ जाएगा इसमें चेकिंग रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है बताओ, रेफरेंस से क्या समझते हो बताओ, मैम रेफरेंस से ओवरऑल जो हमारा वो निकलता है क्या? देखो अगर किसी पर्सन से हमको रेफरेंस आया, सपोज किसी कंपनी से हमको आया कि दैट ही इज द बेस्ट, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो लास्ट में जब एक राउंड होता है ना कंपनी के साथ इंटरव्यू होता है जब, तो पर्सनल रेफरेंसेस भी आते हैं और कभी कभी एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं उनके थ्रू भी रेफरेंसेस आते हैं,
या फिर जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कंपनी को दैट ही इज द बेस्ट, हम चाहें तो इसको रिक्रूट कर सकते हैं. तो रेफरेंसेस मतलब वो सुना है बेटा कि सोर्स लगाते हैं लोग, तो ये वही होता है रेफरेंस. ठीक, नेक्स्ट देखो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब मेडिकल टेस्ट होता है. फिजिकल एग्जामिनेशन होगा मतलब मेडिकल टेस्ट. मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, देखो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तो मेडिकल टेस्ट करवाना इसलिए भी नेसेसरी होता है कि अगर हमें कोई ऐसा डिजीज है जो कम्युनिकेबल हो, कम्युनिकेबल मीन्स हमारे थ्रू किसी को जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी किया जाता है. दूसरा कि हमको पता होना चाहिए कैंडिडेट की मेडिकल हिस्ट्री फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, एक हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए अपने पास एप्लीकेंट का फॉर द इमरजेंसी. प्लस दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, पीएफ वगैरह किया जाता है, सॉरी पीएफ बोल रही हूँ, मेडिकल क्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवाया जाता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसमें. नेक्स्ट क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है. फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एक पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, इमोशनल बैलेंस, मैच्योरिटी देखने के लिए पर्सन की टेम्परामेंटल क्वालिटीज, मींस गुस्सा कितना जल्दी आता है इसको. तो काइंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं, सिचुएशनल टेस्ट होते हैं, हमको एक सिचुएशन में डाल देते हैं और हम उसमें से कैसे बाहर निकल रहे हैं वो देखते हैं वो लोग. दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट लेते हैं कि पर्सन का माइंड कितना शार्प है और किस सिचुएशन में उसका माइंड कैसे काम कर रहा है. उसके बाद क्या होता है, स्टेप 6, अगर वो इसमें सक्सीड हो जाता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू दिया जाता है. वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, इसमें कैंडिडेट का मेंटल और सोशल मेकअप देखते हैं, हमारा जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो उसके अकॉर्डिंग फिट है कि नहीं. तो ये फाइनल राउंड हम बोल सकते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को. फिर नेक्स्ट हो जाता है इसमें फाइनल अप्रूवल. फाइनल अप्रूवल किया जाता है अगर कैंडिडेट सक्सेसफुली ओवरकम करता है सारे ऑब्स्टेकल्स, तो उसको सिलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट बताए जाते हैं, पे स्केल्स उसमें उन सब का मेंशन किया जाता है. तो ये रहता है उसमें. इसके बाद हम ये देख सकते हैं, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर में 7 प्रोसीजर हैं. ठीक, अब आगे इसमें अब देखो इम्पोर्टेंस, importance of recruitment and selection. क्यों किया जाता है, अब ये सेल्स मैनेजमेंट को रेफर करते हुए है ना, क्यों किया जाता है, सेल्स फोर्स को ध्यान में रखते हुए. फॉर द सेल्स फोर्स है ना, पहला पॉइंट इसमें हम ये बोल सकते हैं, इनएडिक्वेट सेल्स कवरेज. तो हमको ऐसा स्टाफ चाहिए जो सेल्स को कवर करके दे सके हमको. हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे सेल्स को बढ़ाने को ध्यान में रख के करेंगे, सेल्स मैनेजमेंट को. एंड लैक ऑफ कस्टमर फॉलोअप, नेक्स्ट इसमें बोल सकते हैं अपन इंक्रीज्ड ट्रेनिंग कॉस्ट. अगर हमको एम्प्लॉयमेंट जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और हमको ऑलरेडी इतना स्पेसिफिकेशन मिल रहा है कि हमको उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट का कम खर्चा लगे, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज्ड ट्रेनिंग कॉस्ट इसलिए भी किया जाता है रिक्रूटमेंट, टू ओवरकम डेफिशिएंसीज. तीसरा मोर सुपरवाइजरी इश्यूज होते हैं, फोर्थ
फोर्थ है इसमें डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग एंड्यूरिंग रिलेशनशिप. अब इसमें देखो क्यों किया जाता है, इसको ध्यान में रखना. नेसेसरी और नीड में भी डाल सकती हो तुम. ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है प्लस सुपरवाइजरी इश्यूज होते जाते हैं जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्स फोर्स या जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी को, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनमें सुपरवाइजरी इश्यूज आते जाते हैं. दूसरा एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम होते हैं. किस टाइप के रिलेशनशिप? विद कस्टमर्स. तो इसलिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. ऐसा पर्सन कंपनी में एम्प्लॉय हो या ऐसा पर्सन को रिक्रूटमेंट करें या सिलेक्ट करें कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन निकल सके. अब आगे देखो, प्लान फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन कैसे होता है. प्लान इसका प्लान फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं सामने वाले को. और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट रिक्रूटिंग के लिए. हम कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं फॉर रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग या सिलेक्शन एंड एसिमिलेशन. फिर क्या करते हैं इसके बाद, डिटरमाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हमको चाहिए. डिटरमाइन नंबर ऑफ पीपल वॉन्टेड, हमको कितने लोग चाहिए. नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं, जॉब एनालाइज कंडक्ट करते हैं. जॉब एनालाइज मतलब हमने ये तो निकाल लिया कि कितने लोग चाहिए, लेकिन कौन से पर्सन में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस टाइप का वो काम करे. तो कंडक्ट जॉब एनालाइज. फिर हमको जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा कि प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन. उसमें हम लिखते हैं ना न्यूज वगैरह में कि फॉर द सेल्स मैनेजर और फॉर द सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको ये काम आना चाहिए. ही शुड बी वेल इक्विप्ड विद एमएस वर्ड्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट चलाने आना चाहिए, उसको ये सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. तो हम एक पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हैं उसका क्वालिफिकेशन से लेकर सब कुछ. फिर हम उसकी क्वालिफिकेशन भी डिसाइड करते हैं. डिटरमाइन हायरिंग क्वालिफिकेशन. तो ये प्लान फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन भी है, प्लानिंग प्रोसेस या प्रोसेस भी पूछ सकते हैं आपसे. तो आप उसमें ये सब डालोगे. और इसके पहले जो हमने प्रोसेस किया था उसमें ये बताना कि सिलेक्शन टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है. तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और हमको सिलेक्शन को प्लान कैसे करना है. तो वो ये है, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन को प्लान कैसे करना है तो ये. और पूछेगा सिलेक्शन टेस्ट का क्या प्रोसेस है तो वो इसके पहले जो हमने किया था. इसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं एप्लीकेंट्स को. तो रिक्रूटमेंट में मैंने आपको रिक्रूट के पॉइंट्स बताए थे, एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज के. फिर सेवेंथ में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एप्लीकेंट्स को. तो अभी जो हमने जस्ट अभी एक प्रोसेस किया था वो था सिलेक्ट एप्लीकेंट्स वाला. तो सिलेक्ट एप्लीकेंट्स में अभी जो हमने प्रोसेस किया था जस्ट अबव वो आएगा. रिक्रूट में आएगा अपना इंटरनल और एक्सटर्नल. उसके बाद हम क्या करते हैं, हायर द पीपल एंड फिर हम उसको एसिमिलेट, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एसिमिलेट, मर्ज करवा लेते हैं लोगों के साथ. और नाइन्थ में हम क्या करते हैं, एसिमिलेट न्यू पीपल इनटू सेल्स फोर्स.
तो ये था पूरा प्लानिंग प्रोसेस इसका, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। अब नेक्स्ट देखो, गाइडलाइंस या फिर प्रिकॉशंस या फिर फैक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, जस्ट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन। कौन सी चीजों का हमको ध्यान में रखना है? कौन ध्यान रखेगा? कंपनी। कौन सी? जो जिसको रिक्रूटिंग रिक्रूट करना है या कंपनी में हायर करना है। पहला है इसमें क्लियर पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट। हमारी एक खुद की क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम मैनिपुलेट करते जा रहे हैं उसको। क्लियर पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो पूरा प्रोसीजर है वो इजी हो जाता है। अगर हमको पता है कि हमको किस स्टेप का चाहिए, कैसा चाहिए, तो हमको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नहीं हमने किसी को ऑर्गेनाइजेशन में बोल दिया आज आपको हायरिंग प्रोसेस करना है, और सामने वाले को पता ही नहीं है कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, कितने पॉइंट्स में हमको करना है, कहाँ पे हम थोड़ा सा सामने वाले को वो कर सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। तो सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए। फिर रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी हो रही है अपनी, इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते, ऐसा नहीं कि हमने ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना दी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के जस्ट अपोजिट में जा रही है, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। दूसरा देखो इसमें क्या करना है, हमको एक कमेटी बनानी है, रिक्रूटमेंट कमेटी बनानी है हमको, कमेटी होगी जिसके पास राइट्स होंगे, उस कमेटी में कैपेबल लोग होंगे, एफिशिएंट होंगे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे, सीनियर पर्सन होंगे, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होंगे कंपनी के। जो एंटायर प्रोसेस होगा जो रिक्रूटमेंट का, वो ये कमेटी देखेगी, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, हम जो सिलेक्शन पॉलिसी होगी एंटरप्राइज की, वो ऐसे तरीके से हमको बनानी है कि चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज फेस करे सामने वाला जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं, और उसको हम मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़े और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाए और अपनी एफिशिएंसी को आगे इंक्रीज करते जाए, बढ़ाते जाए, और हम सामने वाले को मोटिवेट करते रहें अच्छा काम करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दूसरा, हमको गवर्नमेंट रूल्स भी पता होने चाहिए, ऑब्जर्वेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिक्रूटमेंट करने के, एम्प्लॉयमेंट के, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, पार्शियलिटी नहीं करनी हमको, इम्पार्शियल होना है ऑलवेज, इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट देखो, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए सामने वाले को। अगर हम उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं तो सामने वाला काम कैसे करेगा अपने आप। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होने चाहिए कि अच्छा कैंडिडेट हाथ से निकल जाए, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक।